In triangle ABC, if angle A plus angle C equal to 130 degree, angle A plus angle B 125 degree or 125 degree, find angle A, angle B and angle C. तो एक ट्रायंगल है ABC, ABC दिया हुआ और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू है 130 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू है 125 डिग्री, तो ABC का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन वन, इसको टू और इसको मान लेते हैं इक्वेशन थ्री। तो अगर थ्री में से वन को अगर माइनस करें तो क्या निकल जाएगा, ए प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे तो ये हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 67 डिग्री। एंगल ए से एंगल ए कट गया, एंगल सी से एंगल सी कट गया, तो एंगल बी इक्वल टू कितना गया 67 डिग्री। ठीक है, अब एंगल बी का वैल्यू जैसे कि हम इक्वेशन टू में रख देंगे तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस 67 डिग्री इक्वल टू 125, तो एंगल ए इक्वल टू हो गया 125 माइनस 67 इक्वल टू हो गया 58 डिग्री। तो एंगल ए का भी वैल्यू आ गया 58 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू आ गया 67, और एंगल ए का वैल्यू अगर हम इक्वेशन वन में रख देंगे तो हमें एंगल सी निकल जाएगा। तो एंगल ए कितना हो गया आपका 58 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू हो गया 130 डिग्री, तो एंगल सी इक्वल टू 113 माइनस 58, ये हो गया 5 एंड 5, तो हो गया 55 डिग्री। तो ए बी सी का वैल्यू आपका निकल गया, एंगल ए हो गया आपका 58 डिग्री, एंगल बी हो गया आपका 67 डिग्री, एंगल सी हो गया 55 डिग्री, ये हो गया आपके आंसर्स एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी का वैल्यू।